तो एक तरफ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, दूसरी तरफ राजधानी की तर्ज पर भी ट्रेनें चलाई गई हैं। इसके बावजूद सड़कों पर प्रवासी मजदूरों के पलायन की तस्वीरें बदल नहीं रही हैं। घर पहुंचने की चाहत में प्रवासी मजदूर अब भी पैदल चल रहे हैं, कुछ ट्रक में तो कुछ कंटेनर में बैठकर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूरों को पता है कि ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन ज्यादातर को ये नहीं पता कि उन्हें ये मिलेंगी कैसे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। कुछ राज्यों में मजदूरों से परायों जैसा बर्ताव भी हो रहा है। तो कोरोना वायरस संकट काल में लॉकडाउन के बीच गैर राज्यों में फंसे श्रमिक अपने घरों को लौटने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जिन्हें लौटने के लिए साधन मिल गए हैं वो खुशनसीब हैं, जबकि लाखों लोग अभी भी सड़क पर पैदल सफर कर रहे हैं। ये तस्वीरें आगरा की हैं, जहां मजदूरों का एक जत्था पंजाब से लौटकर महोबा जा रहा है। इस जत्थे में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इस जत्थे में शामिल एक बच्चे के पांव चलते चलते जवाब दे गए तो मां ने उसे अपनी ट्रॉली वाले सूटकेस पर औंधे मुंह लिटा लिया। इसके बाद मां अपने बच्चे को खींचते हुए सफर तय करने पर निकल पड़ी। मार्मिक दुखद तस्वीरें, लेकिन ये भी देश की सच्चाई। तो अपनी मंजिल की ओर जा रहे मजदूरों का कहना है कि पैसा नहीं होने की वजह से वो अपने गांव जा रहे हैं। श्रमिक ट्रेन में बुकिंग नहीं हो पाई, इसीलिए पैदल रिक्शे से घर जा रहे हैं। या तो रोजगार की समस्या उनके लिए बड़ी दिक्कत साबित हो रही है। दिल्ली बॉर्डर पे आ रहे थे ना, दिल्ली पुलिस ने मारा है मेरे को, बहुत बुरी तरह मारा है, इतना बुरी तरह मारा है। जो आने थे एक तो आने नहीं दे रहे थे, उसके बाद मेरा भाई मर गया, इनका लड़का डेट कर गया, ठीक है। हम लोग सब, मेरा भाई है, सब बोला चलाने के लिए चलो भाई, अब कोई सुविधा तो है नहीं, क्या करोगे, चलो हम लोग विदा हुए। गए डीसीपी ऑफिस, डीसीपी ऑफिस कोई साइन करके नहीं दिया। सेक्टर 7 के थाना में गए, कोई साइन करके नहीं दिया। पुलिस हमको डंडा चलाए, लेकिन हम भाग गया कांते कांते, तो हमको देख करके छोड़ दिया। इसको जो हड्डी लाठी लगा कर मारने, हम तो और अंटी बोल गया वहाँ पर। हमारा लड़का मर गया वहाँ पर। कमरा रेंट खाने पीने के, घर से पैसा मंगाया है तो खाना पीने, और कमरा रेंट वो छोड़ नहीं रहा हमारी। वैसे हमारा पिता भाई मर गया, वैसे घटना हो गया, अब इतना पैसा नहीं रहा से ट्रेन के हम पैसा देगा आ जाएगा। कोरोना महामारी से परेशान तो हर इंसान है, लेकिन मजदूरों की परेशानी आम लोगों से कहीं ज्यादा है। लॉकडाउन के बाद रोजी का संकट हुआ और अब रोटी का सवाल पहाड़ की तरह रास्ता रोके खड़ा है। रेलवे स्टेशन पर खाने के लिए छीना झपटी भी हो रही है। साइकिल से इन्हें झांसी जाना है। सर क्या करें, हम हमारे पास कोई सिचुएशन ही नहीं है कि हम किसी चीज से, किसी न किसी कारण से गांव जाएं। जब हमारे पास कुछ पैसे नहीं बचेंगे और मकान मालिक निकालेगा तो हम कहां जाएंगे। कोरोना ने इस परिवार के हौसले को भी जख्मी कर दिया। नौकरी पर संकट, घर जाने की हसरत भी अधूरी रह गई। बिहार और यूपी के लोग रेलवे स्टेशन आए ये सोचकर कि घर जाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन अहमदाबाद के इस मैदान में सिर्फ राजस्थान के लिए ही बस निकली। पुलिस ने मैदान खाली करने को कह दिया, अब भारी मन से सिर्फ वहीं लौटने को मजबूर है जहां से घर जाने के लिए निकले थे। परेशानी सिर्फ एक मजदूर और उनके परिवार की नहीं है, यहां सैकड़ों परिवार हैं जिनकी परेशानी एक जैसी है। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं
बसों की करीब 2 किलोमीटर की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सूरत से सौराष्ट्र के लिए रोजाना 1000 बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन देश के अलग अलग शहरों में ऐसे काफी मजदूर हैं जिनके जाने का कोई साधन नहीं, लेकिन उन्हें जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो घर जाने की चाहत में प्रवासी मजदूर कहीं पैदल चल रहे हैं तो कहीं ट्रक में बैठकर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अपने गांव में सुकून की जिंदगी पाने की चाहत में इनमें से कुछ मजदूर हादसों का शिकार हो रहे हैं। पंजाब से पैदल ही बिहार जा रहे 6 मजदूरों को यूपी के मुजफ्फरनगर में बस ने रौंद दिया। बीती रात मध्य प्रदेश के गुना में एक बस और ट्रक की टक्कर में करीब 8 मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूर महाराष्ट्र से चले थे और यूपी में अपने अपने गांव जा रहे थे। बिहार के समस्तीपुर में प्रवासी मजदूरों से भरी बस और ट्रक की टक्कर में 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक तरफ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, राजधानी की तर्ज पर स्पेशल एसी ट्रेनें चल रही हैं। फिर भी देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों के पलायन करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मजदूर पैदल ही सड़कों से हजारों किलोमीटर का सफर कर अपने घरों के लिए निकलते जा रहे हैं। जिनके पास थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वो ट्रक में ट्रैक्टर में सवार होकर जा रहे हैं, लेकिन ऐसे मजदूर हादसों का भी शिकार हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर में देर रात स्टेट हाईवे पर हुआ हादसा बेहद दर्दनाक था। बिहार के गोपालगंज के रहने वाले ये मजदूर पंजाब से पैदल वापस लौट रहे थे। राज्य के सीएम योगी ने मरने वालों के रिश्तेदारों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इतनी बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार और उनकी संभावनाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें भरण पोषण भत्ता के साथ जोड़ने, मुझे विश्वास है कि ये कार्य आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के गुना में भी बस और कंटेनर की टक्कर में 8 मजदूरों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। ये हादसा देर रात गुना के कैंट थाना क्षेत्र में हुआ। बताया जा रहा है कि ये मजदूर कंटेनर में सवार होकर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। इस दौरान गुना बाईपास पर सामने से आ रही यात्री बस और कंटेनर की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद कंटेनर का ड्राइवर मौके से भाग निकला। वहीं बिहार के समस्तीपुरा में भी हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई। जिले में NH-28 पर प्रवासी मजदूरों से भरी एक बस की ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और दोनों गाड़ी सड़क के नीचे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में बस चालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई। बॉम्बे से आ रहे थे, बॉम्बे से आ रहे मुजफ्फरपुर में उतरे, उसके बाद हम लोग कटिहार के लिए रवाना। बस में सवार मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उतरे थे, जहां से सभी एक बस में सवार होकर कटिहार जा रहे थे। मुंबई आगरा हाईवे पर महाराष्ट्र के धुले में एक ट्रक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए। वहीं नासिक के पास घोटी सिन्नर हाईवे पर ट्रक पलटने से 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक में 53 मजदूर सवार थे जो उड़ीसा जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। सवाल ये है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के चलने के बावजूद ये मजदूर इस तरह घर जाने को मजबूर क्यों हैं? ट्रेनों के चलने के बावजूद सड़कों पर पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की तस्वीर नहीं बदली है और घर जाने की चाहत में ऐसे ही कुछ मजदूर हादसों का शिकार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.